हाय गाइस, तो वो टाइम से मुझे सब जने बोल रहे थे कि आप मुझे हेयर ऑयलिंग करके बताइए, तो मैं आज आपको हेयर ऑयलिंग प्रॉपर कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने जो हेयर्स हैं उनको एक बार हाथ से सुलझा लीजिए ताकि आपके हेयर्स कम टूटेंगे, और आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अपने हेयर्स को। और कॉम नहीं लगाना है अभी, अभी आपको सिर्फ अपने हाथों से अपने हेयर्स को सुलझाना है। ये जो आपके बालों में जो इतना उलझ रहे हैं बाल, आपको एक एक करके बालों को सुलझाना है पहले, क्योंकि अगर आप कॉम लगाएंगे तो आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे। इसलिए आप धीरे धीरे करके अपने उंगलियों से बालों को सुलझा लीजिए। एक बार हमने बाल सुलझा लिए हैं, थोड़े थोड़े बाल आपके निकलेंगे। अब मैं आपको ऑयलिंग कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। मेरे पास एक पंची हर्बल हेयर ऑयल जो कि हमारा खुद का ही है, अब मैं बता देती हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। आपको ऑयल लेना है और ऑयल को फिंगर से टैप करते हुए आपको स्कैल्प में मसाज करनी है। आपको स्कैल्प में लगाना है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से लगाना है। आपको ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी अपने बालों के साथ में। आप पार्टीशन कर लीजिए बालों में, अपने बालों का पार्ट करके, और आप स्केल में लगाइए। आपको आपकी जो फिंगर्स हैं फिंगर से ही मसाज करनी है, आपको नेल्स नहीं लगाने हैं स्कैल्प में। हमने एक पार्ट की तरफ तो लगा लिया है ऑयल, दूसरी पार्ट की तरफ मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस तरीके से मसाज करनी है, और जितने आपके हेयर्स के लेंथ हैं आपको उसके हिसाब से ही ऑयल लेना है। इतना भी नहीं लेना कि मतलब पूरा ऑयल ऑयल में हो जाए बाल, वो ज़्यादा अच्छे हो जाए बाल। इसके बाद में मसाज करनी है और धीरे धीरे से मसाज करनी है। देखिए मैं आपको जैसे रूट्स में लगा रही हूँ ना बाल, ऑयल वैसे लगाना है। देखिए आप वैसे भी लगा सकते हैं, अगर आप वैसे लगाते हैं ना तो ऐसे और अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशंस वगैरह मिल जाता है ऑयल से, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ऑयल। देखिए मैंने सब तरफ लगा लिया है ऑयल। जहाँ से आपको लग रहा है कि छूट गया है वहाँ वहाँ वापस लगा लीजिए। देखिए पूरी तरीके से ऑयल लग चुका है इसमें। अब अपन पीछे की तरफ से लगाएंगे ऑयल। देखिए अब सारे बाल आगे ले लीजिए, जो पीछे के स्कैल्प से उसमें भी आपको ऐसे ही लगाना है। आपको ऐसे पार्टीशन करते जाना है हेयर्स में, और ऐसे करके और जो मसाज करनी है ताकि आपको पीछे भी पूरा ऑयलिंग हो जाएगी बालों में, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं अपने वो पीछे जड़ से बढ़ते हैं बाल, तो आपको सब तरफ ऑयलिंग करनी है। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे से मसाज करके बता रही हूँ। देखिए सब तरफ ऑयल लग चुका है। आपको 5 मिनट ऐसे मसाज करनी है अपने हेयर्स में ताकि ऑयल स्कैल्प में चला जाए। पूरी तरीके से लग चुका है बालों में,
पूरी तरीके से ऑयलिंग हो चुकी है वालों में। अब आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि ऑयल नहीं लगा है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे वापस पार्ट कर लीजिए वालों में, और आपको पूरा नीचे तक जहाँ तक आपके हेयर्स हैं वहाँ तक आपको ऑयलिंग करना है प्रॉपर, तभी आपके हेयर्स पड़ेंगे। देखिए आपको इस तरीके से हेयर लगा है, ऑयल लगाना है ताकि आपके पूरे नीचे तक ऑयलिंग हो जाए वालों में। और हाँ एक बात और कि जब आप ऑयलिंग करते हैं ना तो आपको कॉम्ब नहीं करना होता है, आपको अपने हेयर्स को अपनी उंगलियों से ही सुलझाना होता है ताकि आपके हेयर्स ना टूटे। और जब ऑयलिंग हो जाए प्रॉपर तो आप बन बना लीजिए, आप उसी समय कॉम्ब ना करें वरना आपको ज़्यादा हेयरफॉल हो सकता है। प्रॉपर आप ऑयलिंग करके बन बना सकते हैं। और हाँ एक और बात, आपको कम से कम 3 से 4 आवर्स ऑयल अपने बालों में रहना चाहिए बालों में, तभी जाके आपके बाल को न्यूट्रिशंस मिलता है, स्कैल्प तक ऑयल पहुंच जाता है, तभी आपकी ग्रोथ होती है हेयर्स की, हेयरफॉल वगैरह नहीं होता है। और अगले दिन आप सुबह हेयर वॉश कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर ऑयलिंग हो चुकी है, ये देखिए प्रॉपर ऑयलिंग कर चुकी हूँ मैं अपने बालों में। तो आप इस तरीके से बालों में ऑयलिंग कर लीजिए और आप प्रॉपर बन बना लीजिए, आपको बन बना के बता देती हूँ। बना दीजिए और आपको पूरी नाइट ऐसे रहना है, देन आप उसके बाद में वॉश कर सकते हैं। थैंक यू।